गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज है 22 जनवरी, तो अभी करीब 11 बजने वाले हैं। मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है, और आज नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करती हूँ नए वीडियो में सभी का एक बार फिर से। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे बस यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की जो आइकन है, बेल आइकन, उसे ऑल पे जाकर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको इजीली मिलती रहेगी और मैं और आप जुड़े रहेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने यहाँ पे शैम्पू किया था लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो जिस वजह से बाल मैंने बिल्कुल भी मतलब कंघी किए ही नहीं थे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बाल को आज कोम करूँगी। ये देखो कैसे हो गए बाल, बिल्कुल भी ख़राब हो गए और इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो कितने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं। तो चलो फटाफट पहले यहाँ पर कर लेती हूँ कोम। क्योंकि अगर आज नहीं कर पाऊँगी मैं तो मुझे लगता है फिर शाम हो जाएगी। और आज का वेदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। धूप निकली हुई है और धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई है, जिस वजह से आज थोड़ा सा फुर्ती फील कर रही हूँ मैं। और अच्छा लगता है, धूप निकलती है तो सभी को अच्छा लगता है। सो आज की धूप जो है वो बहुत अच्छी है। और सभी लोग मुझसे ये इंस्टाग्राम आईडी के बारे में लाइव पे जुड़ते हैं तो भी पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैं उसकी जो आईडी है इंस्टाग्राम की वो मैं लिंक उसका दे दूंगी। तो वहाँ जाके प्लीज़ आप लोग सभी लोग जो भी है सब मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी आईडी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये देखो, ये देखो मेरी बाल पीछे से दिख रही है थोड़ी थोड़ी, मेरी बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। ये देखो मतलब इस तरीके की है, बट अच्छी है। अभी मेरे एज के हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे बाल ठीक ही है, वरना आजकल तो बाल बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो चलो ये अच्छा ही है। मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो कितनी अच्छी धूप निकली आज, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत अच्छी धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने खाने की तैयारी करने, सब्जियाँ वगैरह खरीद के आ गई है। तो चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या आया है। वैसे कुछ सब्जियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी तो वही मैंने आज मंगाया है। तो ये हरी मिर्च मंगाई है मैंने आज, और अदरक, ये देखो हरी मिर्च। तो जो भी है सब्ज़ियाँ उसे अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो बनानी है उन सब्ज़ियों को मैं बाहर रख लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सारी सब्ज़ियों को मिक्स करके खिचड़ी। टमाटर भी आई है तो सारे टमाटर को मैं पहले फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि सारे का यूज़ तो एक ही बार में होता नहीं है, काफ़ी टाइम तक, एक हफ्ते तक करीबन चलता है। सो यहाँ पे मैंने जो भी सब्ज़ी रखनी थी वो रख ली है। अब मैं तैयारी करूँगी खिचड़ी की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दाल बना लिया है। ये देखो चावल भी मैंने यहाँ पे धो के रखा है। ये है लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, प्याज, टमाटर, और ये है सेम। तो इसे मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं है, और खिचड़ी में डाल दूंगी तो पता भी नहीं चलेगा। गोभी रखी है यहाँ पे, आलू है, मटर है, और यह है धनिया पत्ती।
सो अभी सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें छोटे चम्मच से एक चम्मच तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पे मैं डालूँगी वो पाँच फोरन और तेज पत्ता। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब इसमें प्याज, उसके अलावा इसे प्याज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा भूंज लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी सब्जियाँ हम लोगों ने कट की है, मिक्स वेजिटेबल्स, सारे को यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो गया है, बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिर्ची भी डाल दिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे जो सब्जी है वो सब डालूँगी। सीम है और ये है पत्ता गोभी, तो दो तीन पत्ते को ये यहाँ पे कट करके मैंने डाल दिया था। गोभी है, आलू है, और उसके बाद यहाँ पे मटर भी है। तो जो भी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे कट करके रखी थी आप लोगों ने देखी, सारे को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है, सो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज, ऐसे भी शनिवार है तो मैं बना लेती हूँ। ये है लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ इसे मैंने दाल में डाल दिया है, और क्योंकि इसमें डालते तो लहसुन जो पेस्ट था वो जल जाती तो उसकी टेस्ट ख़राब हो जाती, इसलिए हम लोग दाल में इसे डाल देंगे। और यहाँ पे इसको बस थोड़ी देर फ्राई भी नहीं करेंगे, बस मुझे लगता है 2 से 3 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दाल में मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें चावल और सब्जी दोनों पड़ने वाले हैं, तो आप लोग अपने मतलब क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मिक्स कर लेना पानी। और उसके बाद जो भी सब्जियाँ थी सारे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, मतलब जो भी सब्जियाँ हैं सारे को एक साथ ऐड कर देना है, तो जो भी सब्जी है सब मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ती है तो वो भी मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी कढ़ाई में बची हुई सब्जी तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल है तो चावल भी मैंने डाल दिया है, ये देखो। उसके बाद जो भी सारी सब्जियाँ थी सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बची हुई जो भी सब्जी थी। यहाँ नमक डाल रही हूँ, दाल में भी मैंने नमक डाला था और हल्दी, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी दोनों ऐड कर दिया है। तो उसके बाद अब इसे हम लोग चढ़ा देंगे, एक सीटी आने तक वेट करेंगे। एक सीटी आने में बस थोड़ी देर है, एक सीटी आने के बाद ये खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो फाइनली देखो खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, और आप लोग आ जाओ फटाफट खाने के लिए, क्योंकि अभी गर्मा गर्म है तो जल्दी जल्दी आप लोग खाओ वरना ठंडी हो जाएगी, और टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। तो आप लोग फटाफट खाओ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट करते रहिए और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।